हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ, दैट इज़ प्रेगनेंसी पिलो। एंड ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, दिस इज़ माय जेन्युइन फीडबैक टू ऑल ऑफ यू। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि प्रेगनेंसी पिलो जो बाय करना वर्थ है या नहीं है। आई मस्ट से कि गो एंड बाय इट, मतलब कुछ भी मत सोचो, सीधा ऑर्डर कर दो या कहीं से भी लेके आ जाओ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है प्रेगनेंसी पिलो। बिकॉज आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, मैंने मेरे थर्ड मंथ के एंड में आई गेस मैंने मंगाया था प्रेगनेंसी पिलो, बिकॉज मुझे उल्टा सोने की आदत थी, पेट के ऊपर मैं सोती थी। तो वो अवॉइड करने के लिए मैंने प्रेगनेंसी पिलो मंगाया था कि मैं एटलीस्ट उल्टा ना सो, वन साइडेड सोने की मुझे हैबिट लग जाए, उस वजह से मैंने मंगाया था। बट मुझे भी ऐसा लगता है, बट उस समय मैंने ये भी सोचा था कि इतना महंगा पिलो मंगा रही हूँ मैं, नॉर्मल पिलो से भी काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने प्रेगनेंसी पिलो मंगाया, उस वजह से मेरा ये 9 मंथ का जर्नी जो है वो बहुत स्मूथ था। क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे सोसाइटी में इसी टाइम पे बहुत लोग जो है वो प्रेग्नेंट थे, मतलब 3-4 लेडीज जो थी वो प्रेग्नेंट थी। एंड उन्होंने मुझे पूछा कि तेरा बैक पेन नहीं होता कि, तू नॉर्मल रहती है, नॉर्मल चलती है, तो तुझे बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमारा बैक तो बहुत पेन होता है। तो मैंने बोला कि नहीं, एंड मैंने तभी इतना नोटिस नहीं किया कि मेरा पिलो के वजह से बैक पेन नहीं हो रहा है। बट लेटर थोड़े दिन बाद जब मैं मेरे इन लॉज के यहाँ पे गई थी रहने के लिए थोड़े दिन के लिए, वहाँ मेरे पास मेरा प्रेगनेंसी पिलो नहीं था। एंड बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए वहाँ पे रहना विदाउट प्रेगनेंसी पिलो। मेरा बैक पेन इतना हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बैक पेन हो रहा था, एंड बहुत तकलीफ भी हो रही थी मुझे विदाउट प्रेगनेंसी पिलो। तो फिर मुझे समझा कि हाँ, ये प्रेगनेंसी पिलो के वजह से ही मेरा बैक पेन अभी तक नहीं हो रहा है। आई डोंट नो कि मेरा प्लेस चेंज होने की वजह से बैक पेन हो रहा था या प्रेगनेंसी पिलो के वजह से चेंज हो रहा था, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा प्रेगनेंसी पिलो के वजह से ही मेरा बैक पेन जो है वो ज़्यादा हुआ था वहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद नॉर्मल हो गया। और ये जो पिलो है वो 3 शेप में आते हैं, यू शेप, जे शेप एंड आई गेस सी शेप, हाँ सी शेप। तो मैंने जो है वो यू शेप का मंगाया था, बहुत कम्फर्टेबल है सोने के लिए एंड वेरी कन्वीनियंट, मतलब पूरा प्रेगनेंसी जर्नी आपका स्मूथली चला जाएगा अगर आपके पास ये प्रेगनेंसी पिलो है। आई मस्ट से कि आपने ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, बिकॉज बोल के रुक गई, बिकॉज मेरे पास कोई सीरियसली कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए। सोने के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है, बैक पेन भी नहीं होता है, एंड उसके साथ अच्छी नींद भी आ जाती है हमें, मतलब वर्थ है, वर्थ। आई मस्ट से कि आप जाओ और अभी खरीद लो, बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ और कुछ नहीं बोल सकती। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। और एक चीज़ बताना भूल गई मैं, प्रेगनेंसी पिलो जो है वो आपको सिर्फ प्रेगनेंसी की जर्नी में नहीं यूज़ होने वाला है, वो आपको आफ्टर प्रेगनेंसी भी यूज़ होगा। जैसे अगर आप आपके बेबी को बेड पर सुला रहे हो, आप साइड से बेबी के लिए कवर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पुटिंग 10 पिलोज अराउंड बेबी। सो वो चीज़ के लिए भी आपको यूज़ होगा। आप एज अ फीडिंग पिलो भी यूज़ कर सकते हो, आप आराम से बैठ सकते हो, आपको बैक में भी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा प्रेगनेंसी पिलो की वजह से। प्लस उसको आप थोड़ा टेढ़ा करके आगे आपके लैप पे रख के उसके ऊपर भी बेबी को सुला सकते हो फीड करते टाइम। तो आपको फीडिंग पिलो लेने की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास प्रेगनेंसी पिलो है तो। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग जो आपको यूज़फुल होगी प्रेगनेंसी पिलो की वजह से।